जैकी राइस बोल रहा हूँ, डीडी कैनल एंड पेट शॉप से। देखिए आपके सामने मैं एकदम ब्लैक जर्मन शेफर्ड पपी की वीडियो फोटो दिखा रहा हूँ। ये देखिए एकदम ब्लैक जर्मन शेफर्ड है, ये बच्चा 1 महीने का है। ये देखिए टेल, ये देखिए फिंगर्स, इसके बोन्स, इसका फेस, कोट क्वालिटी देखिए, और बहुत क्यूट सा बच्चा है। ये देखिए क्वालिटी आपके सामने है पपी की। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करते रहा कीजिए, देखा कीजिए, नई नई चीज़ों को आपके सामने दिखाएंगे, कौन सी क्वालिटी क्या होती है, कैसे कैसे वैक्सीन किया जाता है उसको बुलाइए, और उसकी क्वालिटी में क्या परिवर्तन होता है क्या नहीं होता, हर चीज़ के बारे में आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। अब देखिए ये छोटा बच्चा है, इसको पपी डीपी की आवश्यकता है, क्योंकि ये सीज़न ऐसा है, इसमें बीमारियों का इस समय बदलाव का सीज़न है, तो इस समय बीमारियां बहुत तेज़ फैलती हैं। पपी डीपी का मतलब दो होता है, दो रोगों से लड़ने की क्षमता है इसमें, खाली सिर्फ दो रोग से, तीसरे रोग से नहीं। तो पहले तो आप जो मुख्य बीमारी है, सबसे पहली बीमारी ये है कि डिस्टेम्पर और पार्वो, पार्वो से और डिस्टेम्पर से ही इसकी सुरक्षा होगी। पपी डीपी का अर्थ ही यही है, तो जिनको जानकारी ना हो वो जान लें। और अब देखिए इसके नाक में नोज़ल ड्रॉप डाली जाएगी, कैसे डाली जाती है, क्योंकि तो पहले इंजेक्शन लगता था, बच्चे को तकलीफ होती थी, अब इंजेक्शन की जगह नोज़ल ड्रॉप आ गई है, तो नोज़ल ड्रॉप का हम सभी इस्तेमाल करें तो बेटर होगा, क्योंकि छोटा बच्चा है, तकलीफ़ होगी, जब इंजेक्शन लगता है तो फीवर भी आ सकता है, तो लाइए इसके नाक में नोज़ल ड्रॉप डाल दिया जाए। देखिए इस तरीके से बच्चे को कीजिए, इस तरीके से, और इसके नाक में धीरे से ऐसे कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके डालिए, थोड़ा देर इसको रिलैक्स की ज़रूरत है, फिर इसके बाद फिर ऐसे कर लीजिए, फिर ऐसे करके डाल दीजिए, कुछ बाहर भी गिर सकता है, ऐसा नहीं कि सारा वैक्सीन इसके अंदर ही जाए, लेकिन इसको थोड़ा देर इस स्थिति में छोड़ दीजिए, थोड़ी सी बेचैनी होगी लेकिन फिर नॉर्मल हो जाएगा ये पप्पी। गले के पास ऐसे ऐसे कर दीजिए, इसको रिलैक्स फील होगा, फिर उसके बाद इसको नीचे छोड़ दीजिए, तो फिर इसके बाद आप इसको नीचे छोड़ दीजिए। तो मेरा चैनल डीडी कैनल एंड पेट शॉप के नाम से है, मेरा मोबाइल नंबर है 9415268878। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहा कीजिए, देखा कीजिए, नई नई चीज़ें लेके आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।